बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, मुझे बहुत सारे लोग पिछली वीडियो जो मैंने अपलोड की उसमें सवालात कर रहे होते हैं कि जी स्नैक वीडियो पे कैसे अर्निंग की जा सकती है। तो स्नैक वीडियो एक आपको मैंने पहले जैसे कि बताया कि इसमें बड़े अच्छे अच्छे आपको टूल्स बता दिए दे रहा है। स्नैक एक अच्छे अच्छे आपको जो है वो प्लेटफॉर्म दे रहा है। उस पर आपने कैसे करना है कि आपने जस्ट अकाउंट बनाना है। मैं आपको पूरी गाइडलाइन दे रहा हूँ, आपने स्टेप्स को फॉलो करने हैं। अकाउंट बन गया उसके बाद आपने क्या करना है कि उस पे ऊपर आपने बड़े बड़े जितने भी हैं या छोटे स्नैकर हैं जो ऑलरेडी इस पे वर्क कर रहे हैं उनको ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन कर लिया, अब आपने क्या करना है कि डेली बेसिस पे 3 से 4 वीडियोज़ आपकी अपनी स्नैक कैमरे से बनानी है। कौन से कैमरे से? एक तो ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये रिकॉर्ड तो मोबाइल का कैमरा है, इसमें नहीं करना। इसमें यह है स्नैक इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता, वो कहता है कि ये जी सॉफ्टवेयर के थ्रू आया है। हो सकता है कि वो ये भी उनके माइंड में होता है, उनके एल्गोरिथम में, कि भाई ये बंदा जो है वो किसी और का कंटेंट चोरी करके तो हमारी तरफ भेज रहा है, उस तरह भी वो एक्सेप्ट नहीं करता। आपने क्या करना है, आपने जस्ट अपनी खुद की वीडियो बनानी है उसके स्नैक कैमरे से। स्नैक कैमरे का जो आप पूछेंगे, आप स्नैक कैमरा किधर है? स्नैक कैमरा है वो प्लस का आइकन आपको सामने नज़र आ जाएगा, उसके ऊपर है। अगर उधर नहीं आपको मिलता तो आप जो है क्रिएटर स्टूडियो में चले जाएँ। क्रिएटर स्टूडियो में आप जब जाएंगे तो उसमें भी वो स्नैक कैमरा मौजूद है। या आप यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई। अब वहाँ पे आपने क्या करना है, शॉर्ट्स वीडियो बनानी है या जो भी लॉन्ग वीडियो बनानी है उसमें नीचे आइकन दिए होते हैं, फिर आगे जो है वो तीसरा ऑप्शन दिया होता है लाइव के लिए। लाइव कवरेज के लिए यह है कि लाइव आना कोई चाहे, जैसे कि लोग आते हैं, जो आना चाहे वो आ सकता है, जो ना आना चाहे उसको कोई वो नहीं है। लेकिन अगर लाइव आते हैं तो वो एक अलग मेथड है, वो मैं आपको तरीकाकार अगली वीडियो में बताऊंगा कि लाइव आने के बाद आपको उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। मकसद मेरा कहने का ये है कि आपने क्या करना है कि आपने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करना है कि भाई कौन कौन से जो है वो ये लोग जो है वो बना रहे हैं वीडियोज़ और किस किस तरीके से बना रहे हैं। आपने देख लिया, आपने एक कंटेंट जहन में रख लेना है कि मैं किस मुतलक वीडियो बनानी है। मिसाल है किसी को सिखाने के लिए वीडियो बनानी है, किसी को कोई भी मोटिवेशनल स्पीकिंग करना, जैसे मैं कर रहा हूँ, कुछ भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। कोई सॉन्ग वगैरह अगर गा सकते हैं वो कर लें, कोई एक्टिंग कर सकते हैं वो कर लें। यानी कि आपने एक कंटेंट अपने माइंड में बिठा लेना है कि मैंने ये चीज़ बनानी है, लेकिन बनानी किससे? स्नैक कैमरे से। ये आपने माइंड में लाजमन रखना है। और दूसरी चीज़ कि आपने कॉपी पेस्ट वाला काम इसमें नहीं करना है। कॉपी पेस्ट से आपको वो ऑब्जेक्शन कोई नहीं लगता, लेकिन उसमें आपको बेनिफिट कोई नहीं ना। आप मेहनत कर रहे हैं, आप इतने अरसे से काम करेंगे, इतना अरसा काम करने के बाद आप ज़ीरो पे खड़े हैं, फ़ायदा तो कुछ भी नहीं। इसलिए आपने क्या करना है, ख़ुद की वीडियो बनानी है। खुद कोशिश करें लाइव आके, यानी कि खुद कैमरे के आगे आके, अगर खुद नहीं आना चाहते तो कोई और चीज़ ऐसी हो कि जिसके ऊपर मिसाल है सिंध कोई पहाड़ वगैरह हैं, कोई और ऐसी चीज़ है जिस पर आप जिसकी वीडियो बनाना चाहते हैं, और साथ पीछे बैकग्राउंड में आप अपना बात करें, आगे जो है वो बताएं। जैसे कि उमूमन औरतों के लिए मसाइल होते हैं कि उनको इजाज़त नहीं दी जाती, तो आप पीछे से, मकसद है कि कैमरे के पीछे हो जाएं ना, बैक कैमरा ऑन करें, उसको जो भी एनवायरनमेंट आप देना चाह रही हैं, जिसमें तलक किचन से मतलब बात करना चाह रही हैं, जो भी आपका इंटरेस्ट है जिसमें कर लें, वो आप ख़ुद पीछे बोलती जाएँ कि ये चीज़ है, ये इस तरीके से होगा, ये उस तरह से। अच्छा, ये बात आप तो आपको समझ आ जाएगी उम्मीद करता हूँ। तो ये चीज़ जब हो गई तो आपने क्या करना है, फिर अब आगे नेक्स्ट क्या करना है, उसको अपलोड करना है। जब अपलोड करेंगे, नेक्स्ट के बटन में जाएंगे तो वहाँ पे उसकी छोटी सी डिस्क्रिप्शन देनी है। डिस्क्रिप्शन मतलब कि अगर कोई सर्च करना चाहे कि फलां चीज़, मिसाल है मैं कहता हूँ जी क्यूट कैट स्टेटस या कुछ भी ऐसा लिखता हूँ, या सॉन्ग स्टेटस कुछ भी लिखता हूँ, आप देख लें कि कौन सी चीज़ जो है वो आपको सूटेबल है, या जो आपका कंटेंट है वो जिस रिलेटेड है उसके रिलेटेड आप जो है वो ऊपर टाइटल दे दें, और साथ जो है वो हैशटैग लाजमी दें। हैशटैग शुरू में आपको 5 जो हैं हैशटैग अलाउड होते हैं। जैसे जैसे आपका लेवल अप होता जाएगा, आपको हैशटैग की सहूलत भी मिलती जाएगी और आप जो है आगे ग्रो करते जाएंगे। लेकिन अभी आप क्योंकि इनिशियल बेस पे हैं, तो इनिशियल स्टार्टिंग में आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि आपने उसके साथ हैशटैग लाजमन लगाने हैं और HD क्वालिटी में लगाने हैं, और फिर जो है जैसे ही आप ये सारा प्रोसेस कम्प्लीट कर लेंगे उसको जो है आप अपलोड कर दें। अपलोड हो गई, अब उसको आपने वॉच करना है, वॉच किया और उसको मुख्तलिफ ग्रुप्स में जो है वो शेयर कर दें।
ग्रुप्स हैं या जो आपके दोस्त हैं बाब है जिनको आपने फॉलो अप किया या जिन्होंने आपको फॉलो किया उनको भेज दें कि वो भी देखें, ताकि जितने ज़्यादा आपके व्यूज़ बढ़ेंगे उतने ज़्यादा आपके अर्निंग के चांसेस ज़्यादा हैं। अब ये मैं आपको एक छोटी सी टिप दे रहा हूँ, तो ये उम्मीद करता हूँ जहाँ तक आपको समझ आ जाएगी और आ गई होगी। तो मैं नेक्स्ट टिप जो है अगली वीडियो में आपको बताऊँगा इंशाल्लाह, उस पर आपने किस तरीके से आगे दूसरा स्टेप उठाना है, फिर तीसरा फिर चौथा, यानी कि आपने लेवल बाई लेवल एक चीज़ लेके चलनी है, तो तब आपको अल्लाह ताला कामयाबियाँ देगा और आप जो है कामयाब हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ मेरी बात यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी, और मैं मिलूँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए आइडिया के साथ, एक नई टिप्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।